नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 मई का दिन और 6 मई के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न आइए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कल के अभ्यास प्रश्न की। तो दोस्तों कल का हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो ये था, हाल ही में किस देश का मोमो 3 नामक रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया है। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश का जो मोमो 3 नामक रॉकेट था वह सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंच गया, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान देश का रॉकेट था मोमो 3 जो हाल ही में सफलतापूर्वक स्पेस यानी अंतरिक्ष में पहुंच गया है। दोस्तों एक जापानी एरोस्पेस स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी इंक ने पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट मोमो 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। दोस्तों मानव रहित मोमो 3 को होक्काइडो में अपने परीक्षण स्थल से लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसने तीसरी बार में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कदम रखा है। पहली बार में असफल रहा था 2017 में, उसके बाद 2018 में जब इसको लॉन्च किया गया था तब भी यह असफल रहा था, पर तो इसके बाद 2019 में जब इसको पुनः लॉन्च किया गया तो इसने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कदम रख दिया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें जापान देश के बारे में कुछ, तो यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं जापान का मैप है जिसकी राजधानी टोक्यो है, तथा इसके जो प्रेजेंट टाइम में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है, शिंजो आबे। कौन है दोस्तों? शिंजो आबे प्रेजेंट टाइम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बात करें आगे करेंसी की तो एन यहाँ की करेंसी है, और जापान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी उसको जास्का के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? जास्का के नाम से जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी को जाना जाता है, तो आप इसके बारे में भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये था आज का हमारा अभ्यास प्रश्न, बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों हाल ही में एमसीसी यानी मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है, श्रीलंका के जो पूर्व क्रिकेटर थे कुमार संगकारा को, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कुमार संगकारा को हाल ही में एमसीसी यानी मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करें इस प्रश्न के विशेषण क्रिकेट श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों पिक्चर में आप देख पा रहे हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान व क्रिकेटर कुमार संगकारा को हाल ही में एमसीसी यानी मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष नामित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें एमसीसी बोर्ड के बारे में, तो दोस्तों जो एमसीसी है मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब या इंग्लैंड का एक क्रिकेट क्लब है। दोस्तों इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1787 में हुई थी, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रश्न 6 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है जो कि डेली करंट अफेयर्स में हमारा आधारित होता है दोस्तों, तो इस पर एक लाइक तो दोस्तों आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे हैं। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही मामलुह गुफा का संबंध किस राज्य से आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही मामलुह गुफा का जो संबंध है वो मेघालय राज्य से, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों ये जो मामलुह गुफा है इसका संबंध मेघालय राज्य से है, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये जो मामलुह गुफा वह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने 2 जियोलॉजिकल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किए हैं। दोस्तों इन बोर्ड का जो उद्देश्य है पर्यटकों में इस स्थान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। यह 2 बोर्ड दोस्तों मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले के मामलुह गुफा और थेरिया घाट सोभर में स्थापित किए गए हैं। दोस्तों तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है मामलुह गुफा से संबंधित। अगर हम बात करें दोस्तों जिसके द्वारा यह बोर्ड स्थापित किए गए हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हिंदी में कहें तो दोस्तों इसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1851 में की गई थी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1851 में की गई थी। दोस्तों ये जो संगठन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह भारत में भू सर्वेक्षण और अध्ययन का कार्य करता है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कलकत्ता में है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर हम बात करें आज के तीसरे प्रश्न की, तो हाल ही में अली एव कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में अली एव कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों बजरंग पुनिया, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों बजरंग पुनिया जो भारतीय
कुश्ती के खिलाड़ी हैं दोस्तों, यह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए अली अली एव कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी दोस्तों, ये जो बजरंग पुनिया हैं, यह विश्व के नंबर एक कुश्ती के खिलाड़ी बन गए हैं 65 किलोग्राम के फ्री स्टाइल वर्ग में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, नंबर वन की रैंकिंग में ये कुश्ती के क्षेत्र में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है पूरे विश्व में। तो दोस्तों इनके द्वारा हाल ही में यह टूर्नामेंट, यह अली अलाई कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता गया है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया है। किनका दोस्तों? इनका बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों का नाम दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ ने 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें आज के चौथे प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला पुलिस गश्त इकाई जिसका नाम रानी अबक्का फोर्स है का गठन किया है? दोस्तों हाल ही में इस पुलिस बल जिसका नाम रानी अबक्का फोर्स है, इसका गठन किया गया कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में। कहाँ? कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में इस पुलिस बल का गठन किया गया। यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। रानी अबक्का फोर्स का जो गठन है वो कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में किया गया है दोस्तों। मंगलुरु सिटी पुलिस ने एक सभी महिला पुलिस गश्त इकाई जिसका नाम रानी अबक्का फोर्स का गठन किया है दोस्तों। यह बल माल, समुद्री तटों, शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक महत्व के स्थानों और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की निगरानी करेगा और अन्य लोगों के साथ छेड़खानी और चेन स्नैचिंग से संबंधित मुद्दों को भी संभालेगा, तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य के बारे में, जिसके जहाँ पर दोस्तों इस फोर्स का गठन किया गया, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के जो राजधानी है क्या है, तो बेंगलोर इसकी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक की राजधानी है। बात करें यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों एचडी कुमार स्वामी हैं। और बात करें यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर की, तो वजूभाई वाला यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। और बात करें दोस्तों कर्नाटक के विधान परिषद की सीटों की, टोटल 75 विधान परिषद की सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 225 सीटें हैं। और बात करें दोस्तों राज्यसभा की, तो 12 सीटें हैं। और बात करें हम लोकसभा की, तो 28 सीटें हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। आज का पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए हरे रंग के नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। अब सभी इलेक्ट्रिक जो वाहन होंगे उनको हरे रंग के नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य के परिवहन विभागों से कहा है कि वे सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अनिवार्य रूप से हरे रंग के नंबर प्लेट का उपयोग करें, चाहे वह किसी भी वर्ष में खरीदी गई हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नया जनादेश कार्बन उत्सर्जन ना करने वाले वाहनों को पार्किंग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मुफ्त प्रवेश के साथ साथ राजमार्गों पर रियायती टोल जैसे अधिमान्य उपचार प्रदान करने में मदद करेगा दोस्तों। इस तरह की नंबर प्लेट का अब अनिवार्य कर दिया गया, जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे इस हरी नंबर प्लेट को अब अनिवार्य कर दिया गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आज का छठा प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर दोस्तों वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए एक हस्ताक्षर किया है समझौते पे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जाएगा, आईआईटी दिल्ली के साथ दोस्तों कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में यह काम किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें इस प्रश्न के विश्लेषण की, तो भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली जिसको कहा जाता है दोस्तों, ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अस्थायी वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान के कार्यान्वयन के लिए दोस्तों वेस्ट टू हेल्थ प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर भारत चीन सीमा व्यापार का 14वां संस्करण शुरू हुआ? तो दोस्तों हाल ही में भारत चीन व्यापार सीमा का जो 14वां संस्करण है इसकी शुरुआत सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास दोस्तों भारत चीन सीमा व्यापार का 14वां संस्करण की शुरुआत हुई है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते भारत चीन व्यापार
का वार्षिक सत्र शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच 14 साल से इस मार्ग से व्यापार चल रहा है दोस्तों, और यह जो गर्मियों में 5 माह तक चलता है, तो इसी का दोस्तों 14वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। बात करें दोस्तों अगर हम सिक्किम राज्य के बारे में आते हो, देख पा रहे हैं यहाँ है सिक्किम राज्य, जिसकी सीमा दोस्तों चीन से टच होती है, जिसकी राजधानी दोस्तों गैंगटोक में है, तथा सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पवन चामलिंग। कौन है दोस्तों? पवन चामलिंग प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की 32 सीटें हैं, और दोस्तों राज्यसभा की सीटों की बात करें तो एक राज्यसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें दोस्तों एक लोकसभा की सीटें हैं। तथा यहाँ के उच्च न्यायालय को दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हाल ही में नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में टॉल वेलेटस वोलेटस ने शपथ ग्रहण की, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। टॉल वेलेटस के द्वारा यह शपथ ग्रहण की गई है नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों भारतीय वायु के जलवायु भारतीय सॉरी अमेरिकी वायुसेना के जनरल टॉड डी वॉलेटस ने 29 देशों के नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में इन्होंने शपथ ली है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें नाटो के बारे में, जिसकी सैन्य प्रमुख के रूप में दोस्तों इन्होंने शपथ ली, तो नाटो दोस्तों एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहा, इंग्लिश में इसका जो फुल नेम है नाटो का दोस्तों वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह एक सैन्य गठबंधन है, क्या है दोस्तों? सॉरी, ये जो नाटो है यह एक सैन्य गठबंधन है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 को हुई थी। तथा दोस्तों इसका जो बात करें इसके महासचिव के प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो महासचिव वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करें आज के नवे प्रश्न की, तो हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वर्ष 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में टोटल 5.7% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 5.7% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ADB के द्वारा। दोस्तों हाल ही में 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5.7% की वृद्धि होने की संभावना बताई गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे देख पा रही है लोगो एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो कुछ बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी। तो दोस्तों सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना आपको पता होना चाहिए, तो 19 दिसंबर वर्ष 1966 कब हुई थी? 19 दिसंबर वर्ष 1966 को दोस्तों ADB की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला यानी फिलीपींस में है। और दोस्तों इसका जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में इसके जो सदस्य हैं 68 कंट्री हैं, जिसने दोस्तों 68 कंट्री जिसके ADB के सदस्य हैं, तथा इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं ताकी हिको नकाओ। कौन है? ताकी हिको नकाओ प्रेजेंट टाइम में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। आज का 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऊपर टोटल 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों हाल ही में 11 लाख का जुर्माना RBI के द्वारा यस बैंक के ऊपर लगाया गया, यानी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। यस बैंक के ऊपर RBI ने हाल ही में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, इस तरह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे जो जुर्माना लगाया गया वो लगाया गया है रुपये भेजने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए। किसके दोस्तों? रुपये भेजने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए हाल ही में 11.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया RBI के द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें यस बैंक के बारे में, तो यस बैंक की जो स्थापना है इसकी हुई थी वर्ष 2004 में। कब हुई थी? वर्ष 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ दोस्तों हमें RBI के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके द्वारा यह जुर्माना लगाया गया। तो RBI दोस्तों हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। कौन है दोस्तों? RBI हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जिसका फुल नेम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों
1 अप्रैल वर्ष 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी तथा वर्ष 1949 में दोस्तों इसका नेशनलाइजेशन हो गया था तथा इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे तथा प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। तो इतनी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है इस प्रश्न से संबंधित। दोस्तों बात करें अगर हम आज के अभ्यास प्रश्न की तो दोस्तों आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो दोस्तों आज का आपका प्रैक्टिस सेट है, हाल ही में श्री वेदांत देशिका की 750वीं जयंती पर किसने डाक टिकट जारी किया गया एक किया एक ऑप्शन हमारा नरेंद्र मोदी के द्वारा, बी ऑप्शन एम वेंकैया नायडू के द्वारा, सी ऑप्शन रामनाथ कोविंद के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।